हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज हम डिस्कस करेंगे माइट बी के बारे में। माइट बी का यूज कहाँ किया जाता है? जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में शायद हो, कभी कभी शायद नहीं भी आता, ठीक है ना? और लास्ट में रही होगी आएगा, या हो सकता है आए, या किया है आए, तो ये सार सब में माइट बी लगेगा, लेकिन ये प्रेजेंट में होगा, ठीक है ना? प्रेजेंट में इसका यूज होगा। प्रेजेंट में शायद वो कर रही हो सकता है या किया है, प्रेजेंट में। माइट हैव बीन का यूज पास्ट में किया जाता है और इसका यूज प्रेजेंट में किया जाता है। अब यही हम देखेंगे। देखिए, हम माइट बी का यूज अगर लास्ट शायद है और लास्ट में रही होगी आएगा, तब हम माइट बी का यूज करेंगे और माइट बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, अगर रही होगी आए शायद में लास्ट में। और अगर किया है तो माइट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है? इसके अलावा माइट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इसके अलावा अगर हो सकता है तो उसमें कोई वर्ब की फॉर्म ही नहीं होगी, उसमें कोई नाउन का यूज होगा, किसी नाउन होगा, कोई एडजेक्टिव होगा, कुछ भी होगा। हाँ, माइट बी की जगह मे भी यूज कर सकते हैं सेम सेंटेंस में। क्या यूज कर सकते हैं? मे बी। लेकिन मे बी कब यूज करना है? जब हम किसी चीज के लिए बहुत अच्छे से श्योर होते हैं, पक्का श्योर होते हैं कि हाँ भाई ये होगा, तब हम 50-60% तक श्योरिटी है, 70% तक श्योरिटी है, तो हम मे बी का यूज करते हैं, ठीक है, 60-70% की श्योरिटी के साथ। लेकिन अगर हम किसी के लिए कम श्योर है ना, तो हम माइट बी लगाते हैं। तो हम माइट बी को लेके चल रहे हैं। वहां बच्चा हो सकता है, ठीक है? देयर माइट बी, हो सकता है, कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, यानी कि ये वाला रूल। देयर माइट बी ए किड, वहां बच्चा हो सकता है, देयर माइट बी ए किड। वह गलत हो सकता है, ठीक है? ही हो सकता है माइट बी रॉन्ग, वो गलत हो सकता है, कोई वर्ब की फॉर्म आई नहीं रही है इसमें, ठीक है ना? तो ये मे बी के साथ, माइट बी के साथ नाउन लगेगा। मे बी भी लग सकता है यहां पे, अगर हम यहां पे लगा देना मे बी, देयर मे बी ए किड, मतलब कि आप उस चीज के लिए 60-70% की श्योरिटी है कि वहां पे कोई बच्चा हो सकता है। लेकिन माइट बी है तो मतलब कि उसके लिए आप 20% श्योर हो, कम श्योरिटी है कि शायद वहां हो सकता है, शायद वो ना भी हो, ठीक है ना? राधा शायद सो रही होगी, लास्ट में रही होगी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा माइट बी के साथ। राधा शायद सो रही होगी, राधा पहले सब्जेक्ट है ना, राधा, फिर माइट बी, माइट बी स्लीपिंग, राधा शायद सो रही होगी, राधा माइट बी स्लीपिंग। नेक्स्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है ना, शायद वो काम कर रहा होगा, सेम रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है? शायद तुम देख रहे होगे, ये करेंगे, शायद तुम देख रहे होगे, यू माइट बी रहे होगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉचिंग, यू माइट बी वॉचिंग, ठीक है? नेक्स्ट वन इज शायद वो काम कर रहा होगा, रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ही माइट बी वर्किंग, शायद वो काम कर रहा होगा, ही माइट बी वर्किंग। नेक्स्ट है शायद उसने काम किया है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? किया है में माइट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? ही
माइट बी वर्क की थर्ड फॉर्म, वर्कड, वर्कड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ही माइट बी वर्कड, शायद उसने काम किया है। तो ये होता है यूज माइट बी का। हम मे बी की और मे हैव बीन की भी वीडियो बनाएंगे इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस को लेके। थैंक यू।